क्या आप जानते हैं कि कबाला क्या है और कबाला में टन सफरोत क्या है? मैं हूं अभिवारी और आप सब देख रहे हैं बैक टू तौरा। तो आइए, आज का मजमून है हमारा टन सफरोत और सीखते हैं 10 सफरोत पर। टन सफरोत, कबाला की रूह से ये माना जाता है कि लामहदूद खुदा ने इस कायनात को तख्लीक करने के लिए अपने आप को महदूद 10 सफरोत में जाहिर किया। अगर आप 10 सफरोत के ढांचे पर नजर डालें तो आपको सबसे पहले नंबर 1 पर केतर यानी ताज नजर आएगा। आपको अपने दाएं हाथ की तरफ हुक्मा, जो कि दूसरा सफीरा है और हिकमत या विजडम कहलाता है, नजर आएगा, और बाईं तरफ आपको बीना यानी अंडरस्टैंडिंग नजर आएगी, जो कि तीसरे नंबर पर आता है। हुक्मा के नीचे दाएं तरफ आपको चौथा सफीरा यानी खिसत नजर आता है, जो काइंडनेस, लव या ग्रेस कहलाता है, और फिर बाईं तरफ पांचवां गेवूरा यानी ताकत या स्ट्रेंथ नजर आता है। बाज़ उलमा किराम इसे दीन भी कहते हैं, जो मेजेस्टी या अदालत भी कहलाता है, और छठे नंबर पर तफरीद यानी ब्यूटी नजर आता है, और खिसत के नीचे दाएं तरफ फिर नज़याख यानी विक्ट्री या फतह नजर आती है, जो कि सातवां सफीरा है, और बाईं तरफ गेवूरा के नीचे हुद, जिसे अंग्रेजी में स्प्लेंडर या ग्लोरी कहते हैं, नजर आता है, जो मुकाशवा और रहम को भी जाहिर करता है। ये आठवें नंबर पर आता है। तफरीद के बिल्कुल नीचे इसी कालम में आपको ये सोद नजर आएगा यानी फाउंडेशन, ये नौवें नंबर पर आता है, और फिर सबसे आखिर में आखिरी और दसवां सफीरा यानी मलखूत, जिसको किंगडम कहा जाता है, नजर आता है। इसे शकीना भी कहते हैं। खुदावंद ने इस कायनात की बुनियाद दो चीजों पर रखी, पहली मोहब्बत या रहम और दूसरी इंसाफ। खुदावंद इन्हीं दो असूलों पर कायनात को चलाते हैं, इसीलिए आपको 10 सफरोत यानी दाएं तरफ के कालम में हुक्मा, खेसद, नज़े आख, जो के पिलर ऑफ मर्सी या रहम का सतून कहलाते हैं, एक कॉलम में नजर आते हैं, और बाई तरफ बीना, गेवूरा और हुद है, जो के पिलर ऑफ जजमेंट यानी इंसाफ का सतून कहलाते हैं, नजर आते हैं, और इन दोनों को जो कायम रखे हुए है वो रूह का सतून है, जो इन दोनों को जोड़ता है, क्योंकि वो दरमियानी है, उसे द पिलर ऑफ स्पिरिट कहते हैं। तो दोस्तों, ये था 10 सफरोत का एक मुख्तसर सा तारफ। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। शालोम।